हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ काम में मैं बिजी रह रही हूँ आजकल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। ये औरतों में होने वाली गंभीर बीमारी है। मेनोरेजिया का मतलब है महिलाओं में होने वाला पीरियड में खून की मात्रा ज़्यादा होना और ज़्यादा दिन तक चलना। ये करीब 5% महिलाएं में होती है। समानता पीरियड के समय का जो अंतर होता है 21 से 35 दिन का अंतर होता है और इसमें 5 दिन तक 25 से 40 मिलीलीटर खून पीरियड के माध्यम से निकलता है। लेकिन मेनोरेजिया की स्थिति में जो पीरियड का जो समय रहता है 21 से 35, लेकिन जो इसमें ब्लीडिंग होगी वो 80 मिलीलीटर या उससे भी ज़्यादा होती है और ये 7 दिन तक चलता है। अगर यह ब्लड 80 मिलीलीटर होने लगे और यह 7 दिन तक लगातार चलने लगे तो इसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। आइए अब चलते हैं इसके लक्षण और कारण की तरफ। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या कड़क हुआ और ब्लड ज़्यादा मात्रा में लगातार होगा और खून के बड़े बड़े थक्के भी निकलते हैं। खून की कमी से एनीमिया के भी शिकायत होना लाजमी है। थकान और बेचैनी भी हो सकती है और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपके पीरियड में खून ज़्यादा दिन तक आ रहा है, खून के थक्के आ रहे हैं, तो यह दो पीरियड के बीच में खून आ जाना या उन महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है, यह गंभीर समस्या है और इसका ये पहला कारण है। ये फैमिली से होते आ रहा है, यानी जैसे आपकी माँ को पहले से ये बीमारी है तो ज़्यादा चांस है कि आपको भी ये हो सकता है। इसका दूसरा कारण है हार्मोनल डिबेलेंस। दोस्तों, महिलाओं में अगर इससे बैलेंस सही रहे तो ये हर महीने अंडा ही बनाएगी। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, जैसे ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होने पर एनीमिया, थकान, बेचैनी और घबराहट, जैसे सांस लेने में तकलीफ होगी, इसमें हर बार पेन और कड़क भी होगा। इससे बचने के लिए आयरन से भरपूर मात्रा में चीज़ें लें और तेल मसालेदार चीज़ों से बच के रहें। आइए अब चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। इसकी पहली मेडिसिन है लेचेसिस 30। ये आप 4 बूंद करके 3 टाइम ले सकते हैं। और इसकी दूसरी मेडिसिन है सिमिसिफोगा 30। और इसमें एक सिरप आता है मेंसोल सिरप। ये सब दवा इस बीमारी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और भी मेडिसिन है जैसे हेमामेलिस क्यू, ये सब भी मेडिसिन बहुत ही अच्छी है इन बीमारी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।